का कोई ऐसा सर्कुलर नहीं है कि मंत्री वीआईपी के नाते पुलिस उसको एस्कॉर्ट करे। जो समय हमारी एस्कॉर्टिंग में जाया होता है उसके स्थान पर पुलिस को और जगह काम करना चाहिए, विशेषकर मंत्रियों के उसमें एस्कॉर्ट करते हैं तो उनका काम सफल होता है। देयर इज नो सर्कुलर टू एस्कॉर्ट द मिनिस्टर। राजस्थान बीजेपी नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बीते कुछ महीनों से अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। मंगलवार को दौसा पहुंचे किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार फिर से एक नया बयान देकर सभी को चौंका दिया है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एक और नया मोर्चा खोलते हुए अपनी ही सरकार पर वीआईपी कल्चर खत्म करने की मांग रख डाली है। किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि पुलिस द्वारा सरकार के मंत्रियों के लिए एस्कॉर्ट जरूरी नहीं है। आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले खुद किरोड़ी लाल मीणा की जुबानी सुनिए कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा। जहां तक मुझे जानकारी है, सरकार पीएचक्यू और कोई ऐसा सर्कुलर नहीं है कि मंत्री वीआईपी के नाते पुलिस उसको एस्कॉर्ट करे। मेरी नज़र में मेजर दुरुपयोग है। जो समय हमारी एस्कॉर्टिंग में जाया होता है उसके स्थान पर पुलिस को और जगह काम करना चाहिए और दिन भर पुलिस विशेषकर मंत्रियों के उसमें एस्कॉर्ट करती है तो उनका काम सफल होता है। इसलिए पब्लिक इंटरेस्ट में ये निर्णय एक बार वसुंधरा सरकार ने लिया था, लेकिन अभी बरकरार है साइन। और कोई इन्होंने भी ले लिया हो, पिछली सरकार ने गहलोत साहब ने मेरे को भाग ली, बट देर इज नो सर्कुलर टू एस्कॉर्ट द मिनिस्टर अंटिल अनलेस देर इज नो थ्रेट। देर इज थ्रेट अगर धमकी है तो किसी को किया जा सकता है। दरअसल डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा दौसा के महुआ में भरतपुर रोड पर एक निजी प्रतिष्ठान के उद्घाटन समारोह में अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मंत्रियों के वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए बयान देते हुए कहा कि मंत्रियों की एस्कॉर्ट व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। किरोड़ी लाल मीणा ने वहां मौजूद थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह सोलंकी से भी पूछा कि आप मुझे एस्कॉर्ट क्यों कर रहे हो, आपको किसने मेरे यहां आने की सूचना दी। तो इस पर महुआ थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह सोलंकी ने भी कहा कि यह हमारा सूचना तंत्र है जिससे हमें आपके यहाँ पर आने की सूचना मिल गई थी। उन्होंने आगे कहा कि आपको सुरक्षा प्रदान करना हमारा दायित्व है, हमारा फर्ज है। इस दौरान मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि यदि किसी भी नेता को कहीं कोई धमकी मिलती है या वहां पर भय का वातावरण है तो सुरक्षा देना पुलिस को वाजिब है, अन्यथा किसी भी राजनेता को एस्कॉर्ट जैसी कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इस दौरान किरोड़ी लाल मीणा ने यह भी कहा कि पुलिस मंत्रियों की एस्कॉर्ट करके अपना कीमती समय खराब करती है। पुलिस का एस्कॉर्ट करने में जो समय खर्च होता है उस समय को आमजन की सुरक्षा में काम में ले और जनता की जन सुनवाई करे जिससे कि जनता को राहत मिल सकेगी। किरोड़ी लाल मीणा ने इस दौरान कहा कि पूर्व में वसुंधरा राजे सरकार के दौरान भी यह निर्णय लिया गया था जो शायद अभी भी बरकरार है। उन्होंने कहा कि इस तरह मंत्रियों को एस्कॉर्ट उपलब्ध करवाने का शायद सर्कुलर भी नहीं है। आपका किरोड़ी लाल मीणा के इस बयान पर क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।